माई यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज दिन है हमारा जुम्मे का और अभी तकरीबन वक्त हो रहा है कोई 2:30 बजे का और फिलहाल अभी मेरी मॉर्निंग हुई है। जब से मौसम इतना हसीन होने लग गया ना, मेरी मॉर्निंग बहुत लेट होते जा रही है, कभी 4 बजे कभी 3 बजे, लेकिन आज जुम्मा है तो आज जल्दी थोड़ी मॉर्निंग हो गई। तो फिलहाल जो है अभी नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं करा है, तो पहले चल के नाश्ता देख लेते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले हम पहले नीचे चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि नीचे चल क्या रहा है। अभी चाचू और सारे बच्चे मिलके कुछ कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है नीचे। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर बारिश भी हल्की 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 शुरू हो गई है, तो पहले चलते हैं नीचे। तो पहले लेकिन हम देख लेते हैं पहले मौसम, इतना हसीन मौसम हो रहा है यहाँ पर, हल्की 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 बिल्कुल बूंदाबांदी भी हो रही है। भाई खाना वाना हम बाद में खाएंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं नीचे, चाचू से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना वगैरह अपना। लेकिन खाना आज ऊपर ही खाएंगे क्योंकि चाचू ने खाना ऑलरेडी खा लिया और मैं सो रही थी उस टाइम पर। चाचू आवाज़ें आ रही थी, क्यों आ रही थी वो भी दिखाती हूँ मैं, पहले आप बोलें जो आप बोल रहे थे। सलाम अलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और अपने बराबर बराबर वालों को सबका ख्याल रखना, किसी को तंग नहीं करना, बाजे ना बजाना प्लीज़ क्योंकि बाजे बजाना अच्छी चीज़ नहीं है। जश्न आज़ादी को आज़ादी की तरह से मनाएं और बेहतरीन तरीके से मनाएं और अभी मिलजुल कर मनाएं। और उसके अलावा अभी मेरा स्टेटस आया था मेरे पास, लप्पे आती है दुआ का, तो मैंने आपको ये पढ़ के सुनानी है बच्चों के साथ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। यस, आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जोड़ा है उसी राह पे चलना मुझको, लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अटेंशन पास और आज मेरे नाश्ता प्लस खाने में है कड़ी एंड चावल। वैसे भी मौसम इतना हसीन हो रहा है ना, बिल्कुल पकोड़ों पकोड़ों वाला कड़ी वाला ही हो रहा है, तो ताई ने कड़ी बना के भिजवा दी। ये इधर दिखाएं, ये मैगी जो है ये पूरी राहीन ने खुद बनाई है। राहीन तुम इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह, पहली दफ़ा बनाई है, दूसरी दफ़ा बनाई है, बहन तुम तो बहुत ही प्रो होते जा रही हो। बाजी ने बनाई है मैगी, तो भाई टेस्ट कर लेते हैं, अल्लाह खैर करे। पहली दफ़ा बनाई है राहीन ने, ब्लॉक के बहाने नहीं खा रही मैगी, में मैगी वैसे भी खा सकती हूँ उसमें। बहुत अबे भाई इतनी मिर्ची कौन डालता है, तो मुझे थोड़ी पता था इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत मिर्च डाली हुई है भाई इसने। मैगी अच्छी बनाई, वैसे मैगी बनाने में कोई खास बात तो है नहीं, मैगी बनाई कौन सा बिरयानी बनाई है, लेकिन मिर्चें बहुत डाली हैं इसने। भाई हमारे घर में आए हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, जिनको आपको देखने की आदत हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा। रही सबसे पहले लाइबा, कैसी हैं आप? सबसे अच्छी बच्ची लाइबा, वहाँ राहीन खड़ी हुई है, ये लोग खेल रहे हैं, बस खेलते रहते हैं पागलों की तरह। अबू बकर
वो कहाँ है? उसको जीत गए ये पार्टी तो फिर उस्मान कहाँ है? ये रहा, जीत गए, जीत गए। ओ भाई, शाम के टाइम हमारे मेहमान आए हुए, ये चाची ने बनाई है मैक्रोनी बहुत। हाय चाचू, कैसे हैं आप? बोले कुछ, कुछ तो बोले। हाँ मैं समझ गई। हम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी इस छोटे से पूछे से। हम लोग चुप हो जाओ, इस छोटे से पूछे से हम लोग इसके छोटे छोटे हाथों से भिंडी कटवा रहे हैं। यार जुल्म की इंतहा हो गई है ना फिजा, तुमने खुद ही बोला, तुम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रही हो। हैं तो भाई, हमारे घर के मेहमान वगैरह तो सब चले गए, अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं कुछ एक्साइटिंग सा करने के लिए, क्योंकि बहुत बोर था पूरा दिन मेरा आज का। आई नो भाई, मेरे सारे दिन वैसे बहुत बोर होते हैं, जब ऑफिस ना जाना तब तो ज़्यादा बोर होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो है एक वो वायरल सी जो है एक वायरल अंडे और लेस का जो चल रहा है आजकल बहुत ट्रेंड में, आज हम लोग वो करने के लिए जा रहे हैं। तो जाओ छोटू, सामान लेकर आओ भाग कर जाकर। तो भाई जो जो सामान हमें रिक्वायरमेंट थी जिस जिस सामान की, मतलब प्याज, हरी मिर्च मैंने बहुत कम काटी हुई, और टमाटर, और ये रहे दो अंडे, और ये रहे लेस जिसका बिल्कुल अंदर से जो है वो चूरा कर दिया। खोलने से कराई अंदर से इसका बिल्कुल चूरा किया हुआ, यहाँ पे पानी बॉयल किया है। सबसे पहले मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें, इतनी सी डाली हूँ लाल मिर्चें, ज़्यादा हो गई मुझे लग रहा है बहुत। और इसके बाद जो है अंडा डालूँ पहले या ये डालूँ? पहले डालते हैं ये सारा सामान। अंडे को मैं पहले से ही भाई थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अंदर जाके टूटेगा नहीं है। इसको थोड़ा सा वो करके अब दिखा दे। अदी नहीं सब पकड़ोगी? हाँ ऐसे नीचे से पकड़ो। सब कुछ अंदर डाल दिया, अब इसके बाद इसको पकड़ के। अब इसके अंदर जो है वो मैंने डाल तो दिया, मुझे नहीं पता ये कैसे बनेंगे। और इसको तकरीबन कितने मिनट रखना है? तकरीबन 6 से 7 मिनट, वरना तो 10 मिनट भी रख सकते हैं। और ये अल्लाह जाने क्या हो रहा है इसमें, बबल्स आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है इसके अंदर से सारे मसाले निकल गए, क्योंकि पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो भाई अब तकरीबन 10 मिनट हो गए, अब हम लोग जो है इसको खोल के ट्राई करने जा रहे हैं। कर लिए 5 मिनट और रिस्क है भाई, मुझे डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं कैसा बना होगा। अंदर के दिखाओ। ओह माय गॉड यार, कसम से। ओह रुको, अब मैं इसके पीसेस करती हूँ। वाओ अच्छा, काटने पे ना ये टूट रहा है, कच्चा है क्योंकि थोड़ा सा अंदर से कच्चा है, मतलब 5-10 मिनट और कुक होना था, क्योंकि ये देखें अंदर से थोड़ा सा कच्चा है बस ये, लेकिन ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बन गया भाई, और क्या चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा बन गया ये, मुझे खुशी हो रही है। जब खुद से आप कर रहे हो जिसकी एक्सपेक्टेशंस ना हो वो हो जाए, बहुत खुशी होती है। चुरी भी लेकर आओ ना, अब ना इन सबको टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में मैं टेस्ट करूँगी भाई। रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करवाएंगे हमारी घर के एडमिन को। टेस्ट कर ले क्या बनाया है ये। माँ जी पोहे, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। पोहे नहीं, अंडे का कुछ, अंडे का पोहा। जल्दी से टेस्ट करके बताएं। नमक नहीं है नीचे तो रखे, नमक नहीं है, कोई बात नहीं। ओवरऑल वैसे कैसा बना है? सही बना है, बहुत जबरदस्त। ये इससे ज़रा सा सबर नहीं हुआ, इसने हाथ से खा लिया। सबर, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है, इसको भी खिलाओ। अब इसको खिलाओ, पूछा टेस्ट करके बताएगा। बैक कर दूं? कैसा बना पूछे? उठाओ अभी तुम एक, इसमें से उठाओ अभी तुम एक। और ठीक है, इस तरफ आओ, बताओ कैसा बना है। इसको खिलाओ, अब दीना को खिलाओ। कैसा बना है? चीनी सही है।
अदीना को ज्यादा खिलाओ यार। अदीना चीनी सही है? कैसे बना अदीना सही है? चीनी तो डाली नहीं यार मैंने। अब अपने लिए अब मैं टेस्ट करती हूँ। सबने टेस्ट कर लिया। हटो भाई नमक नहीं मिक्स सही नहीं हुआ। मुझे तो सीधा हाथ से खाना पड़ेगा। हाथ से खाते हैं। बाबा को भी खिलाना ताकि उनका डर खत्म हो। पता नहीं क्या बने यार। लेस उसमें थोड़े से ज्यादा होने चाहिए था ना। लेस का टेस्ट नहीं आया। नमक होना था। शिमला मिर्च जलनी थी लेकिन फिर भी बहुत मजे का बना है भाई। वीआईपी। मैं जा रही हूँ अशु चाचू को टेस्ट करवाने। चाचू आवाज भी बंद करो। ये हमने कुछ बनाया है, अब आप टेस्ट करके आप हमें बताएंगे कि कैसा बना है। सही है? अंडे का है। आप टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। आवाज तो कम करें यार पहले। जल्दी से बताएं भाई। जल्दी खा लें भाई। खाएं ना आप पहले। बहुत मेहनतों से बनाया है। कैसा है? अरे मास्टर शेफ साहब बता भी दें कैसा बना है। समझ ही नहीं आ रहा यार। हद हो गई है। ये हमने लेस का बनाया है। बहुत मजे का है। आपको व्लॉग में पता चलेगा कि हमने कितनी स्ट्रगल से ये बनाया है। अपनी बेगम को भी खिलाएं यार। हाँ लेस पापड़। बहरहाल अच्छा बने या बुरा बने बस सही बने। बस सही बने ठीक है। नमक नहीं है सही है। पहली दफ़ा बना रही थी मैं तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में सब कुछ बनाया था। थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था अच्छा बनेगा बुरा। अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना नमक मिर्च सब कुछ बहुत ज़्यादा डाल के बनाऊंगी और बहुत सारा बनाऊंगी। सही है? डन हो गया। तू संडे से तो बिल्कुल भी पेट नहीं भरा। रात के खाने का देख लेते हैं मेन्यू क्या है हमारा। तो हमारे रात के खाने में है मज़ेदार सी भिंडी। दानिया की आज ईद हो गई भाई। तो भाई आज तो दानिया की ईद हो गई। घर में भिंडी बनी है आज आपकी ईद हो गई। बस ओवर एक्टिंग नहीं। ओवर एक्टिंग नहीं इसके 5 रुपये ओवर एक्टिंग के काट लें आप लोग। तो भाई हमने जो है वो अपना सबको टेस्ट करवा दिया सिवाय बाबा के। बाबा के लिए हमने 11 पीस रख दिया था। बाबा जानी आएंगे तो फिर टेस्ट करवाते हैं। बाबा रास्ते में ही थे यार। देखो कहाँ रह गए। आ रहे ऊपर। बाबा आते हैं तो फिर उनको टेस्ट करवाते। जल्दी से लेकर आ जाओ। जल्दी से लेकर आओ। जल्दी 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 भाग कर। पहले हम बाबा को टेस्ट करवाएंगे। बाबा को क्योंकि बाबा बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। आप लोगों को खुद पता है। कैसे हैं आप? मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ बना के रखी हुई है जिसका आपको रिव्यू देना है। ठीक है? क्या बना दिया भाई? क्या मतलब मैं अच्छा नहीं बनाती कुछ। प्याज का हलवा। अंडा का। ये देखिए नाज़रीन पता नहीं इसने क्या बनाया है। खा के चेक करता हूं। सबने चेक किया। खा के अच्छा लगा सबको। खाएं 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 खाएं। बेकार है भैया। मैं तो टूट गया मैं तो। अब प्याज आ रही मुंह में। बेकार है। वैसे भी सिर्फ नमक थोड़ा सा कम था। बाबा आपने बहुत बेइज्जती करी है पता है। बाबा तो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे थे। बिल्कुल अच्छा नहीं बना। इसकी रेसिपी इसकी मत जाइए। गजब बेइज्जती है यार। कैसे भाई मुझे तो बाहर वालों से कोई ऐसे गंदे कमेंट की जो है ना वो उम्मीद ही नहीं है क्योंकि मेरे घर वाले ही इतनी बेइज्जती कर देते हैं मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि मेरे अपने घर वाले मतलब इतना डीमोटिवेट करके रख देते ना बंदे को। डर नहीं लगा नेक्स्ट टाइम तो वरना बोलते ना तो। हाँ लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ इतना डीमोटिवेट कर देना ये लोग मेरा दिल लगता है जहर खा के मर जाऊँ यार। अच्छा सा जहर नहीं लेकिन इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ सकते हम। इसको देख लिया हम लोग मोंजली का। ओके जी तो इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है एंड आई होप यू लाइक इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से एक और नए और बहुत मज़ेदार से व्लॉग में। होपफुली चैलेंज व्लॉग होगा। व्हाट इग्नोर दीस आवाज़ें। ये लोग मुझे ना बीच बीच में वो करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की? डिस्ट्रैक्ट। ओहो अंग्रेज आप तो अंग्रेज हैं। तो भाई हम कहाँ थे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।